नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवर लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा के एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जेजेपी में तेज हो गया घमासान। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दिया बयान कि दुष्यंत चौटाला 14 विधायक इकट्ठा कर उतार दे अपना प्रत्याशी तो हम उनका समर्थन करने को है तैयार। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो 14 विधायक इकट्ठे होकर हमें कर दे कन्फर्म तो हम दे देंगे उम्मीदवार। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर प्रमुख नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। 29 जून को पंचकुला में हरियाणा भाजपा की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की होगी बैठक। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा की काफी अहम होगी ये बैठक। हरियाणा में जेजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान कि पार्टी को बीजेपी से गठबंधन करके हुआ है नुकसान। हम कभी भविष्य में बीजेपी से नहीं करेंगे गठबंधन। भाजपा से गठबंधन करने से लोग हो गए नाराज। इसके अलावा किसान आंदोलन और सत्ता विरोधी लहर का जजपा को उठाना पड़ा बड़ा नुकसान। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडे की दी गई मंजूरी। मंत्रिमंडल में ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि बुढ़ापा पेंशन के बराबर करने के प्रस्ताव को दे दी मंजूरी। इससे इन कर्मियों को वृद्धावस्था पेंशन के समान मिलेगा सम्मान भत्ता। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की बढ़ेगी राशि, ईपीएफ पेंशन भोगियों की राशि में भी उसी अनुपात में होगी बढ़ोतरी। हरियाणा के सभी बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन के तर्ज पर किया जाएगा विकसित। इसके अलावा बस स्टैंड को रेलवे स्टेशन की तरह ग्रीनरी लगाकर बनाया जाएगा हरा भरा। इस विषय में जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री असीम गोयल ने दी जानकारी कि सबसे पहले गुरुग्राम और पीपली में पीपीपी मोड पर आधारित बनाए जाएंगे विशेष बस स्टैंड। हिसार में फिरौती के लिए धमकी, फायरिंग पर भड़क गए हैं व्यापारी। उन्होंने 4 दिन में 3 बड़े व्यापारियों से रंगदारी मांगे जाने को लेकर बाजार बंद करने का कर दिया ऐलान। उन्होंने पुलिस को 72 घंटे का दिया था समय, लेकिन पुलिस बदमाशों का नहीं लगा पाई पता, जिसके बाद आज शुक्रवार को ऑटो मार्केट में, अनाज मंडी में व्यापारियों ने बंद कर दिया दुकानें। हरियाणा में गरीबों को आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा राशन। इसके लिए खोले जाएंगे नए राशन डिपो, वही एक अधिकार भी हो जाएगा खत्म। प्रदेश में 2,92,000 अत्योदय अंत योजना के राशन कार्ड तथा 83,33,000 है बीपीएल कार्ड। न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ई खरीद पोर्टल से की जा रही है खाद्यान्नों की खरीद। अंबाला में सुषमा स्वराज बस अड्डे के परिसर के पास खाली पड़ी जमीन पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए बनाया जाएगा बस अड्डा। खास है यह बात कि यहां पर ई बसों के लिए चार्जिंग सुविधा वर्कशॉप समेत मुहैया कराई जाएगी कई सुविधा। इसका टेंडर नोटिस कर दिया गया है जारी। पानीपत शहर की हरि सिंह कॉलोनी में इलेक्ट्रीशियन के घर हो गई चोरी। चोरों ने घर के मेन गेट का तोड़ दिया ताला, फिर अंदर घुसकर अरमाली की उखाड़ दी तिजोरी। उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात के अलावा चोरी कर ली नकदी। कैथल में आयोजित शादी समारोह से जब परिवार लौटा वापस, उन्हें घटना का चला पता। पुलिस में दर्ज कराई गई है शिकायत। हरियाणा में आज 9 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की है संभावना। यहां चलेंगी तेज हवाएं भी, जिससे लोगों को परेशानियों का करना पड़ेगा सामना। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, हरियाणा के अलावा पंजाब व हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का जारी किया है अलर्ट। बीते 2 दिन से पंजाब व हरियाणा में हो रही बारिश के कारण तापमान में दर्ज की गई है भारी गिरावट। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवर लाइव।